नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, चुनावी रैली में चले प्याज। मधुबनी में रैली कर रहे नीतीश पर प्याज फेंके गए तो 5 बार बोले फेंको, खूब फेंको। जी हां, मधुबनी के हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में लोगों ने आलू प्याज फेंका। हालांकि इनमें से कोई भी आलू प्याज सीएम तक नहीं पहुंचा। इस दौरान भी नीतीश रैली को संबोधित कर रहे और उन्होंने कहा कि जितना फेंकना है फेंकते रहो। नीतीश के सुरक्षा कर्मी जब विरोध करने वालों को रोकने लगे तो नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया, कहने लगे कि उन्हें रोकिए मत, फेंकने दीजिए। इसके बाद लोगों की ओर से आलू प्याज फेंकना बंद हो गया। नीतीश ने इसके बाद तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, पूछा कि जो आज नौकरी देने की बात कर रहा है, 15 सालों में कितने लोगों को उसने नौकरी दी है। दूसरे चरण मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। 4 मंत्रियों समेत तेजस्वी व तेज प्रताप की भी अग्नि परीक्षा। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए वोटर जूम कर निकले। जिस तरह दिन आगे बढ़ता रहा, वोटर उसी रफ्तार से घर से निकलते रहे। इस चरण में 4 मंत्रियों श्रवण कुमार नालंदा, रामसेवक सिंह हतवा, राणा रणधीर सिंह मधुबन व नंदकिशोर यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इसी चरण में तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव की भी अग्नि परीक्षा है। वहीं गोपालगंज के हतवा से एकमात्र ट्रांसजेंडर प्रत्याशी मुन्ना किन्नर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कुल 1463 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इसमें 146 महिला प्रत्याशी भाई आजमा रही है। अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन ने किया 94 में से 65 सीट जीतने का दावा। जी हां, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद महागठबंधन ने दूसरे चरण की 94 सीटों में 65 सीट जीतने का दावा किया है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ा। कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार से डबल इंजन की सरकार की विदाई तय है। कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लोग अपने गुस्से का इजहार ईवीएम का बटन दबाकर करें। तो वहीं इसके विपरीत बीजेपी का दावा, एनडीए के सरकार बनना तय, बिहार में रचा जाएगा इतिहास। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दावा किया है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनना तय है, बिहार में इतिहास रचा जाएगा। एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, प्रदेश के लोगों में तय कर लिया है कि उन्हें सुशासन चाहिए। मंगलवार को जारी बयान में मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रदेश की उन्नति के लिए मतदान किया है। लोग जाति नहीं, विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। 7 नवंबर को अंतिम चरण के मतदान में जनता इस पर भी मुहर लगा देगी कि लोग चाहते हैं कि बिहार के विकास की गति निरंतर जारी हो। रोड नहीं तो वोट नहीं। दानापुर के चांदमारी में बूथ नंबर 198 पर 827 वोटरों में से कोई नहीं आया वोट देने, बैठे रहे चुनाव अधिकारी। जी हां, दानापुर के चांदमारी में बूथ संख्या 198 पर 827 वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। इस बूथ पर 827 वोटरों के नाम ही दर्ज है। इस बूथ पर किसी मतदाता ने वोट नहीं डाला है। रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर और नारे के साथ वहाँ के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन भी किया। यहाँ के लोगों का कहना है कि कैंट एरिया के बैरक नंबर 1 से लोदीपुर तक सड़क को पिछले 6 महीने से बंद कर दिया गया है। यह दानापुर कैंट की तरफ से आने वाली सड़क है। इस सड़क के बंद रहने से यहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र के देघनी गांव में ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। बरसात के दिनों में स्थिति भयावह हो जाती है, लेकिन निवर्तमान विधायक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भागलपुर में ईवीएम बदलने की अफवाह के बाद बवाल, हटिया चौक पर जमा हुई 2000 लोगों की भीड़। दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होते होते मंगलवार की शाम को भागलपुर में एक अफवाह फैल गई। ईवीएम बदलने की अफवाह के बाद हजारों की संख्या में लोग भिखनपुर कब्रिस्तान हटिया चौक के पास जमा हो गए। लोग जमकर हंगामा करने लगे। स्थिति को बेकाबू होते देख मौके पर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को आना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों से
ईवीएम को लेकर गाड़ियां निकली। इसी बीच लोगों के बीच ये बात फैल गई कि ईवीएम वाले कोई एक गाड़ी कहीं और के लिए निकल पड़ी है और ईवीएम बदलने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही देर में यह अफवाह पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। करीब 2000 की संख्या में लोग हटिया चौक के पास पहुँच गए। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 846 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 218,964 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,882 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर राजधानी पटना में बात करें तो पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 203 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1101 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 974 लोग कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने किया महागठबंधन की महाविजय का दावा, बोले तेजस्वी के आलोचक होंगे खामोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की महाविजय की उम्मीद जताते हुए मंगलवार को कहा कि 10 नवंबर को मतगणना वाले दिन राजद नेता तेजस्वी यादव के आलोचक खामोश हो जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह दावा भी किया कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से निजी हमले किए जा रहे, क्योंकि 10 लाख नौकरियों के वादे से विरोधी दल पूरी तरह घबराए हुए हैं। बिहार में राहुल की रैली, राहुल बोले मजदूर जब भूखे पैदल लौट रहे थे तब मोदी जी अमीरों का टैक्स माफ कर रहे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मंगलवार को बिहार में 2 रैलियां की। उनकी पहली रैली करोहा में और दूसरी किशनगंज में हुई। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जब बिहार के मजदूर हजारों किलोमीटर से पैदल भूखे प्यासे लौट रहे थे तब मोदी जी और नीतीश जी कहां थे, जब जरूरत थी तब कहां थे दोनों, वे दोनों हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ कर रहे थे। राहुल गांधी अपने भाषण में 5 अहम बातें की है। तो सबसे पहला, नीतीश जी और मोदी जी ने धोखा दिया है। कुछ साल से नीतीश जी बिहार के सीएम हैं, आज नीतीश जी एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ पार्टनर बने हैं। मगर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में नीतीश हमारे साथ, आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने एनडीए को वोट नहीं दिया था, उन्होंने धोखा दिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब मजदूर को जरूरत थी तब आप कहां थे। तो वही तीसरी बात, बिना नोटिस दिए लॉकडाउन लगा दिया। चौथी बात, बोले मोदी जी एमएसपी मंडी सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। और अंतिम बात, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस नफरत फैलाते हैं। दूसरे चरण के 34% प्रत्याशी करोड़पति, बीजेपी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा अमीर। जी हां, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1463 उम्मीदवारों में से 495 करोड़पति उम्मीदवार हैं। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 118 प्रत्याशी ने अपने पास 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक संपत्ति घोषित की है। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। पार्टी के 46 में से 39 प्रत्याशी करोड़पति हैं। आरजेडी भी बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है, पार्टी के 56 में से 46 प्रत्याशी करोड़पति है। वही सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के 43 में से 35 प्रत्याशी करोड़पति है। लोजपा की बात करें तो पार्टी के 52 प्रत्याशियों में से 38 करोड़पति हैं। क्या तेजस्वी व तेज प्रताप का नामांकन होकर रद्द, जदयू ने इसी यानी इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, लगाया यह आरोप। जी हां, जदयू ने राज्य निर्वाचन आयोग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मंगलवार को शिकायत दर्ज की है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में जदयू का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। बिहार के मुख्य चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा क्षेत्र 128 राघोपुर एवं 140 हसनपुर से क्रमशः उम्मीदवार तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव ने बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति को छिपाया है। इसको लेकर दस्तावेज भी जदयू ने सौंपा है। मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार से मांगा है कि तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव द्वारा दिए गए गलत हलफनामे की जाँच की जाए एवं लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत कार्रवाई की जाए। इंटर के बाद अब मैट्रिक परीक्षा 2021 को लेकर बिहार बोर्ड ने लिया फैसला। बिहार बोर्ड ने अगले साल 2021 के फरवरी माह में होने वाली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी
क्रैश कोर्स के माध्यम से जिले के हाई स्कूलों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शुरू की जाएगी। इस साल दूरदर्शन व स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की ऑडियो विजुअल तरीके से बच्चों को गणित, अंग्रेजी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के मॉडल पेपर से तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित स्कूलों में D2H का कनेक्शन लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद यह काम शुरू हो जाए। छात्रों को कंटेंट आधारित डिजिटल माध्यम से मैट्रिक की तैयारी शुरू की जाएगी। जिले के सभी कोटि के हाई स्कूलों में पहले से ही स्मार्ट क्लास के तहत LED TV के अलावा ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाया जा चुका है। D2H के जरिए बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपलब्ध कराए गए कंटेंट का प्रसारण किया जाएगा, जिससे बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई 11 बजे से शुरू होने की संभावना है। धनतेरस दिवाली से पहले बिहार में सोने की कीमत में हो रही है लगातार बढ़ोतरी, जाने आज का भाव। जी हां, धनतेरस और दिवाली से पहले बिहार में सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में आज सोने की कीमत 50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जो 31 अक्टूबर से 20 रुपये अधिक है। 31 अक्टूबर को सोने की कीमत 50,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोने की कीमत में नवंबर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पप्पू यादव ने नीतीश व तेजस्वी पर साधा निशाना। जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठ वोट मांगने जा रहे हैं, वो लॉकडाउन में कहां थे? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठ वोट मांगने जा रहे हैं, वो लॉकडाउन में कहां थे? जब लॉकडाउन हुआ था तो देश की गरीब जनता से सरकार और विपक्ष दोनों ने मुंह फेर लिया था। किसी को दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ठेला चालकों की चिंता नहीं हुई। उस विपरीत परिस्थिति में मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। हमने घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई। हम सेवादार हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बिहार में बोले PM मोदी, डबल डबल युवराजों को नकार, फिर बनेगी NDA सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज चलाने वालों ने एक समय बिहार में मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की संस्कृति के जरिए गरीबों के मताधिकार को छीन लिया था, लेकिन NDA ने गरीब को उनका वह अधिकार फिर से दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि आज बिहार में अराजकता, जबरन वसूली की हार हो रही है, जबकि विकास और कानून की शासन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि इनका एक लोगों को डराकर, अफवाहें फैलाकर, लोगों को बांटकर किसी भी तरह से सत्ता हथियाना है, लेकिन बिहार के लोगों ने जंगल राज और डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को फिर से जनादेश देने के मन बना लिया है।